हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइज, जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम बहुत सारी वीडियोस की DIY सीरीज़ लेके आने वाले हैं, तो एक और वीडियो आज प्रेजेंटेबल है DIY सीरीज़ में। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इंजन की जो शाइन जाती है वो वापस नहीं आती। यानी कि आप गाड़ी को आफ्टर वॉश करा रहे हैं, ग्रीस मार्क्स रह जाते हैं, इंजन में वो शाइन नहीं आती है। तो क्या वो तरीका है जिससे आप इंजन की शाइन को वापस ला सकते हैं, आज करके मैं आपको खुद दिखाता। लेकिन आज करने का खुद न रीज़न ये है क्योंकि हम कहीं बाहर निकले हुए हैं, तो इस समय मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाइड चल रहा था, तो मैंने कहा वाई नॉट मैं करवा के दिखाता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, आप देख सकते हैं, इससे पहले भी आपने इसको देखा है जब मैंने इस प्रोडक्ट का यूज़ किया था और हमने अलॉय व्हील्स को क्लीन किया था। तो वहाँ पे मैंने एक्चुअली अलॉय व्हील को यूज़ ज़रूर किया था, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल काम है वो इंजन की शाइन, इंजन की स्प्रे क्वालिटी और इंजन की जो लुक थी उसको वापस लाना है। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली आपको ये प्रोडक्ट लेना है, आपको अपनी गाड़ी लेनी है और उसके ऊपर सिंपली इसको स्प्रे कर देना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इंजन के ऊपर डाल के इसको खाली स्प्रे करके छोड़ देना है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना है कुछ भी। ये देखिए, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जब इसे स्प्रे करना है तो कुछ इस तरीके से करना है कि आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए, सिमिलरली इसी तरीके से मैं इस साइड भी कर देता हूँ इसको स्प्रे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इंजन के ऊपर से जो गंदगी है या कुछ भी है, ये देखिए अपने आप, ये देखिए जैसे ही मैं डालूँगा ये सारी अपने आप, जो भी जितनी भी डस्ट है, डर्ट है, ये देखिए अपने आप ये इसको काटने लगता है। तो ये देखिए, तो सिमिलरली आप इसको सिर्फ यहाँ पे इस तरीके से लगा के और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इंजन को इधर से कर दिया है। और सिमिलरली ये देखिए आप, मैंने इंजन पे इधर से भी कर दिया था, ये देखिए। लेकिन एक बार मैं दोबारा जस्ट रीस्प्रे कर दे रहा हूँ, जस्ट टू एंश्योर कि कोई पोर्शन रहना नहीं चाहिए, क्योंकि इन फिन्स के बीच में कभी कोई नहीं पहुँचता। ये देखिए, गाइस, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है और इसके बाद आपको ये प्रोडक्ट 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट बाद मैं इस बाइक को वॉश कराऊंगा, नॉर्मल वॉश, जैसे कि आप घर पे भी कर सकते हैं, पावर वॉश भी करा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और फिर आपको दिखाता हूँ एंड में इसके रिजल्ट्स।
गाड़ी जो है वो क्लीन हो गई है, ये देख सकते हैं आपकी इंजन की जो शाइन है वो रिस्टोर हो चुकी है वापस, और इंजन जो है अगेन जैसा पहले लगता था शाइनी ब्राइट वैसा ही फिर से लगना शुरू हो गया है। तो गाइज़ ये प्रोडक्ट यूज़ करने का बेनिफिट सिर्फ ये है कि जितना भी एक्सेस ऑयल ग्रीस या जितनी भी चीज़ें आपके सिस्टम में हैं उनको काट देता है। तो उसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हो जाता है, गाड़ी का जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। अब जैसे आप देखें, अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखा होगा तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत डिफरेंट है। तो ये वो रीज़न है कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, रेगुलरली रेकमेंड करता हूँ यूज़ करने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस प्रोडक्ट का लिंक डाल दूंगा। गाइज वैसे बहुत इजी है, आप वैक्सपॉल इंजन डीग्रीसर अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी लिखिए आपको मिल जाएगा। इट्स अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो ये वो रीज़न और भी है कि मैं इस कंपनी को डेफिनेटली प्रमोट करता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कह देता हूँ, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट आउट ऑफ गुड थिंग्स दैट दिस कंपनी प्रोवाइड्स मैं इसको आपको लेके आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम फोर ब्लॉग्स फॉर द डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय।